मुझे वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। नागपुर में ऐसा क्यों बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। गडकरी के बड़ा बयान देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में यदि मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव किया है या दलितों और मुसलमानों के साथ अन्याय किया है तो मुझे वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि मैंने निष्ठा से काम किया है तो कृपया मुझे वोट दें। गडकरी ने कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर 101% आश्वस्त हूँ। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने कहा कि यदि मैं किसी को लगता है कि मैंने कोई भेदभाव किया है तो मुझे वोट देने की जरूरत नहीं है। मुझे जो भी पहचान मिली है वह नागपुर के लोगों की है। मैंने भेदभाव किया है तो वोट न दें। गडकरी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में यदि मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव किया या दलितों और मुसलमानों के साथ अन्याय किया है तो मुझे वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि मैंने निष्ठा से काम किया है तो कृपया मुझे वोट दें। उन्होंने कहा कि पूरे देश में यह बेहद खुशी की बात है कि भगवान राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो गया है। आज हम देश भर में रामनवमी मना रहे हैं। भगवान राम हमारे संस्कृति के प्रतीक है। आज भगवान राम के आशीर्वाद से हमने राम राज्य की स्थापना का संकल्प लिया है। वचननामा जारी किया। मंगल को नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए वचननामा जारी किया। उन्होंने कहा हमारी योजना नागपुर में जैविक फल सब्जियां और खाद्यान्न बाजार खोलने की है। गडकरी ने कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर 101% आश्वस्त हूं। इस बार मैं बहुत अच्छे अंतर से चुनाव जीतूंगा। जनता के समर्थन उनके उत्साह पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को देखते हुए मैं 5 लाख से अधिक अंतर से जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। महाराष्ट्र के 48 संसदीय क्षेत्रों में से एक नागपुर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी और वर्तमान में नागपुर पश्चिम से विधायक विकास ठाकरे के बीच मुकाबला होगा। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजियां बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान देकर लोगों को चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उन्होंने किसी के साथ भेदभाव किया है तो वह उन्हें वोट न दें। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने मुस्लिमों और दलितों के साथ अन्याय किया है तो वह उन्हें वोट न दें। मुस्लिमों से वोट की अपील। भाजपा नेता नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म होने से पहले कहा कि मुझे जो भी पहचान मिली है वह नागपुर के लोगों की है। पति पत्नी परिवारों और राजनीतिक दलों के बीच मतभेद है। पिछले 10 सालों में अगर मैंने कोई काम में कोई भेदभाव किया है तो दलितों या मुसलमानों के साथ अन्याय है तो मुझे वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।